हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इकबाल। आप सबको बहुत 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 ज़्यादा ईद मुबारक हो जी। और वही हमने कहा, तुम जो आती है उसी दिन को ईद कहते हैं, आरजू कहते हैं, उम्मीद कहते हैं। ईद खुशी के दिन को कहा जाता है। खुशी खुशी यकीनन और भी ज़्यादा हो जाती है जब अपनों के साथ ईद सेलिब्रेट कर रहे हों, कुछ मज़ेदार चीज़ें बन रही हों, ईदी मिल रही हों, इंजॉय कर रहे हों। तो आज सब कुछ ऐसा ही जो होने जा रहा है जी। ऑन K21 न्यूज़ ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं आज आपके साथ, और इकबाल अकेला नहीं है, हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। बहुत खूबसूरत लग रही है, क्या ड्रेसिंग की है, ज्वेलरी, स्टाइल, अंदाज, सब कुछ माशाल्लाह। मॉर्निंग शो करती रहीं, न्यूज़ एंकर हैं, बहुत अच्छी स्पीकर हैं, और माशाल्लाह रिसेंटली माशाल्लाह शादी भी हो चुकी थी। तो मौजूद है सईदा रिनम फातिमा। अस्सलाम वालेकुम रिनम। वालेकुम अस्सलाम इकबाल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर अ वेरी नाइस इंटरव्यू। सॉरी यार, ये कहाँ दिमाग का चला गया इंटरव्यू या ईद पे ना इतनी हबड़ दबड़ होती है, सब कुछ मिक्स हो जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर सच अ नाइस इंट्रोडक्शन। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, सबसे पहले तो सबको ईद मुबारक, बहुत 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 ईद मुबारक भाई। असल में ख़वातीन को इतने सारे काम होते हैं ना, तो बिल्कुल ऑफ हो जाता है ईद वाले दिन तो बिल्कुल, क्योंकि चांद रात से जाग रहे होते हैं भाई। आपके सारे कर्टन्स घर के आप बदल रहे होते हैं, सारी बेडशीट्स आप बदल रहे होते हैं, फिर सुबह सुबह शीर खुरमा भी बनाना होता है, तो ख़वातीन के ऊपर तो बेतहाशा काम होते हैं। बड़ी मुश्किल से आज टाइम निकाल के शो पे आई हूँ, और बस मैं इंशाल्लाह ताला ये जो बना रहे हैं मैं इसलिए आई हूँ, मैं देखूँ बना क्या रहे हैं, यही बनाऊँगी घर जाके। क्या बात है जी, बहुत शुक्रिया भाई। और ईद आपकी, यू नो, शादी के बाद पहली ईद, शादी के बाद पहली, बल्कि नई दुल्हन, और वो भी शो में, तो सब ससुराल वाले भी देख रहे होंगे जी। और बिल्कुल मेरी सास देखी होंगी। अस्सलाम वालेकुम मामा, कैसे हैं आप? और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। मेरे फादर इन लॉ भी देख रहे होंगे, देख रही होंगी। आई लिव इन अ वेरी बिग फैमिली एंड दे आर ऑल सो लवली। मेरी दादी सास भी हैं, एंड अम्मी आई रियली लव यू, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच एन अमेजिंग ग्रैंड मदर इन लॉ। तो क्या बात है, घर वाले जो होते हैं, अच्छा घर वालों के दम से ईद होती है। हाय हाय, बिल्कुल यही बात है। कोई परदेसियों से पूछे कि कितनी बेरौनक ईद होती है, जो मुल्क छोड़ के, घर छोड़ के बाहर मुल्क में बैठे हुए होते हैं, ना उनके पास घर वाले होते हैं ना दोस्त होते हैं, तो उन्हें स्पेशली ईद पे बड़ा अफसोस हो रहा होता है अपने मुल्क को। अच्छा देखें, ये आपने फैमिली को विश किया, फैमिली की बात हुई, सभी के जो तमाम लोग जो पाकिस्तान थ्रू आउट द वर्ल्ड जो ईद सेलिब्रेट करें, उनसे क्या कहेंगी रिनम आप? थ्रू आउट द वर्ल्ड जो लोग ईद सेलिब्रेट करें, सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत ईद मुबारक। मेरी दुआ है कि ये ईद आप सबके लिए अच्छी खबरें लेकर आए, और कोरोना वायरस जिसे हम इतने टाइम से फेस कर रहे हैं, मेरी बिल्कुल दुआ है कि बस अब हमारी इससे जान छूट जाए। नहीं, मेरा गला उसकी वजह से ख़राब नहीं हो रहा है, परेशान नहीं होगा एकदम से ना, एक बाल थोड़े से पीछे हो गए। नहीं नहीं, अल्लाह ना करे, मैंने असल में अभी चॉकलेट खा ली थी। आप जब चॉकलेट खा के ज़ोर से बोलने की कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी, तो गला थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। तो मेरी दुआ है कि भाई सब जो हैं इससे महफूज रहें, अल्लाह पाक इस वबा को जल्द अज़ जल्द ख़त्म कर दें, और जो है हमारी दुनिया वापस से बेहतर हो जाए, हमारी ज़ियारतें दोबारा से नॉर्मल हो जाएं, हमारे हज उमरे दोबारा से नॉर्मल हो जाएं, और जो दुनिया है वो वापस अपने रूटीन पर आ जाए। क्या बात है जी, दुआ की बात की, तो कहते हैं ना, दुआ दिल से जो निकले तो कारामद हो। यहाँ दिल ही नहीं, दुआ किया, और दुआ ख्वाहिश का इजहार भी है, दुआ वो चीज़ भी जो अल्लाह ताला से मांगना चाहते हैं, और दुआ कबूल जरूर होती है जी। बिल्कुल रिनम, यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीजें मौजूद हैं जी। जी, सबसे पहले, अच्छा आप चाय पी सकते हो, रोजे में नहीं है, चाय पी रोजा नहीं है। अच्छा ईद में भी सोच रहे होते हैं कि सोच रहे होते हैं कि ये पी लूं मैं, ऐसा होता है। अच्छा जी, जी। तो यहाँ पाकोला मौजूद है जी, पाकोला फ्लेवर, ठीक है जी। और पाकोला की बात की जाए तो हमारी आजकल की हेक्टिक रूटीन में दूध पीना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा, ठीक है जी। अच्छा रिनम, लोग ये समझते हैं कि ये दूध नहीं है, लोग ये समझते हैं कि ये दूध नहीं है, लेकिन ये वो गलत सोच रखते हैं, क्योंकि ये फ्लेवर्ड मिल्क है, और इसमें काफ़ी फ्लेवर मिल जाएंगे। पाकोला में आपको चॉकलेट फ्लेवर है, इसी तरह आइसक्रीम, सोडा, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दिस इज माय फेवरेट आइसक्रीम, हमारे घर में बहुत इसको पसंद किया जाता है पाकोला का, स्पेशली जो ये वाला फ्लेवर है ना, एवरीबॉडी एट माई इन लॉज लव्स इट। आपका कौन सा फेवरेट है? रिनम देखें, पाकोला तो मुझे सब कुछ पसंद है, लेकिन चॉकलेट
जैसा कोई फ्लेवर नहीं है मेरे ख्याल से। अच्छा वैसे आइसक्रीम में भी मुझे भी ज्यादातर चीजों में चॉकलेट ही फ्लेवर ज्यादा अच्छा लगता है। बिल्कुल। अच्छा रेना, आप होस्टिंग करती रही, माशाल्लाह होस्टिंग करती रही आपने, मॉर्निंग शोज किए आपने, न्यूज की, आप बहुत अच्छी, यू नो यू आर अ ग्रेट स्पीकर एज वेल। तो किस चीज में नीलम ने, रेनम ने खुद पर्सनली बहुत ज्यादा एंजॉय किया हो? पर्सनली मैंने टीचिंग भी की है, जो मैं कर भी रही हूँ टीचिंग, और मैंने एंकरिंग भी की है, मैंने न्यूज़ एंकरिंग भी की है, होस्टिंग भी की है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मज़ा मुझे आया वो मुझे आया खबरें पढ़ने, बड़ा मज़ा आता है। कहते हैं लड़कियों को पसंद नहीं होता है न्यूज़ और ये चीज़ें। नहीं, आई डोंट थिंक सो, आई थिंक या न्यूज़ इज़ वेरी वेरी पैशनेट, एक जो फील्ड है ना, आप बड़े अच्छे अंदाज में, बड़ी डिसेंसी के साथ आज जो है किसी खबर को पेश कर रहे होते हैं। एंड यू नो, अच्छा उनको ऐसा लग रहा है कि इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं कि अलीजर कह रहे हैं कि इनका एक्ट्रेस, लेकिन नहीं, होस्ट मॉर्निंग शो। बिल्कुल बिल्कुल, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्ट्रेस क्यों समझते हैं आपको, कभी सोचा ड्रामों में, फिल्मों में काम करने का? हाँ सोचा था, बचपन में सोचा था। अभी अगर ऑफर हो जाए तो, यू नो मतलब पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री वैसी ही चल रही है, जबरदस्त चल रही है। बिल्कुल, इंडस्ट्री बहुत आगे जा रही है, बड़ा अच्छा काम कर रही है, लेकिन अगर मेरे मियाँ मान जाए तो मैं जरूर करूँगी। शादी के लिए मान गए तो आगे भी मान सकते हैं। नहीं असल में रूटीन बड़ा हेक्टिक होता है ना इकबाल, आपको कभी 5 बजे भी सुबह शूट के लिए जाना है, कभी 3 बजे रात में जाना है, कभी आपको 4 बजे, तो एक ऐसे आप अपनी लाइफ को बड़ा डिस्टर्ब करने के लिए अगर तैयार हैं तो इसीलिए शादी जरूरी है। शादी इज मोर इम्पोर्टेंट, शादी जरूरी है। अच्छा जी, खीर बनाएंगे लौकी, लौकी की खीर इंशाल्लाह करेंगे तैयार। तो इसके लिए ये देसी घी जिसे हमने हल्का सा मेल्ट किया था, आधा चम्मच आपने शामिल, सिर्फ हाफ टी स्पून शामिल किया, लगभग हाफ टी स्पून देसी घी का अपने, बेशक बेशक, और आ रही है यहाँ तक। क्या बात है जी, वो जो ना वो छलक जाता है, जो पैमाना होता है, कुछ ऐड किया और खुशबू देखें जबरदस्त आने लगी। अच्छा साथ इसमें ऐड करते हैं, इसके अंदर अब ऐड करते हैं, अब ऐड करते हैं जी सब्ज इलायची, जो आवाज को बेहतर बनाए। रनम आप टीचर, और सांसों को भी महकाए, सिर्फ आवाज को बेहतर नहीं बनाती, सांसों को भी महकाए। क्या कह रहे हैं, वाह जी वाह, अब तो मैं सब इलायची खा जाऊंगा, बस ठीक है। अच्छा रेनम जी, जी टीचिंग आप की, तो अभी टीचिंग में, अगर अभी टीचिंग में मुझे लगता है आपके अंदाज से, यू नो लीडरशिप और डिसीजन तो है, तो डांटना डांटती हैं या सख्त हैं या? अच्छा मैं पहली क्लास में, लीडरशिप और ये चीज आपके अंदर है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा बच्चे जो होते हैं ना वो बड़े अनअवेयर होते हैं, उन्हें दुनिया का कुछ पता नहीं होता, बजाय से कि हम उसे उन्हें डांटें डपटें, मैं काफ़ी फ्रेंडली रहती हूँ अपने स्टूडेंट्स के साथ, लेकिन जैसे ही लगता है ना कि कोई बहुत ज़्यादा, वैसे बच्चे इतनी बदतमीजी करते नहीं हैं, लेकिन स्टूपिडिटी वाली बात अगर बच्चे कर जाते हैं, जब बच्चे ये फ़र्क भूल जाते हैं कि टीचर एक टीचर है और मजाक की एक लिमिट होती है, तब मैं उन्हें ज़रूर अच्छी तरीके से याद दिलाती हूँ कि टीचर कौन है और स्टूडेंट कौन है। लेकिन उसके अलावा आई ट्राई माई बेस्ट टू स्टे वेरी फ्रेंडली विद माई स्टूडेंट्स। और ऐसे दूसरी बात, जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तमाम इस वक्त जो स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, अभी तो खैर ईद मना रहे होंगे, ईद के कपड़े पहन के बैठे होंगे, तस्वीरें ले रहे होंगे, तो अगर वो सुन रहे हैं तो उनके लिए मुझे ये ज़रूर कहना है, सुन भी रहे हैं। नहीं नहीं, आजकल कहाँ, ये नौजवान नस्ल यूँ होती है भाई, ये टीवी चल रहा है और ये मोबाइल यूँ होता है इनके, सुन नहीं, इस बात से इत्तेफाक में बिल्कुल नहीं करता। अब आज से 2 साल पहले जब यूट्यूब और सब चीज़ें आई तो ऐसा लगा कि टीवी शोज और इस चीजें कम होती जा रही हैं, लेकिन अब देखें टीवी चैनल और माशाल्लाह सभी चैनल्स के अपने इतने ज्यादा, यू नो फॉलोवर्स सब्सक्राइबर्स और कमर्शियल देख ले माशाल्लाह सब चीजें, तो बिल्कुल। अच्छा टीवी तो सदाबहार है, सदाबहार है, आई डोंट थिंक सो कि वो कभी भी आउट हो सकता है फैशन से। बिल्कुल। तो खैर मैं स्टूडेंट्स को ये बात कह रही थी कि उन्हें बड़े बड़े सब्ज बाग दिखाए जाते हैं कि आप यूनिवर्सिटी से निकलेंगे और मर्सिडीज में बैठेंगे और पहले दिन ही आपकी नौकरी लग जाएगी और आप जाए कहीं के प्रेसिडेंट लग जाएंगे, ऐसा नहीं होता। हर इंसान जो है स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है। अच्छा इसी गलत सब्ज बाग की वजह से बच्चे जो होते हैं ना वो फ़ौरन से पाने के लिए ना कुछ बस मैं आज मैंने अकाउंट बनाया, कल मैं इन्फ्लुएंसर बन जाऊँ, परसों मेरे 10,000 फॉलोअर्स हो जाएं, तो ऐसा नहीं होता। बच्चों को ये समझना चाहिए कि हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप होती है। कभी जब आप स्टार्ट करेंगे, आपकी कोई 25-30 हज़ार रुपये की बेसिक जॉब होगी, आप सीखेंगे कि कंप्यूटर को चलाते कैसे, क्या बात, फिर आप उससे आगे बढ़ते बढ़ते विद इन 1 ईयर विद इन 2 ईयर्स आप इंशाल्लाह ताला 3-4 लाख पे खड़े हुए होंगे एंड यू लुक बैक एंड विल बैठ जाएंगे। नहीं नहीं, यू हैव टू कीप, या यू हैव टू कीप गोइंग, कीप गोइंग, लाइफ लाइफ का मतलब है कीप गोइंग, कीप गोइंग, क्या बात है, एज वी आर कीप ऑन गोइंग। तो घी के बाद सब्जी इलायची और
लौकी शामिल कर रहे हैं भुनाई, और अगर क्योंकि आप टीचर हैं डर भी लग रहा है, तो मैडम अगर इजाजत हो तो ब्रेक ले लें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ब्रेक ले लें, फिर मैं आपकी भी कुछ जाए ना बताऊंगी बातें कीप गोइंग से रिलेटेड। अच्छा अच्छा ब्रेक लेते हैं, वक्फे के बाद मिलते हैं और रेना मैडम मिलके बोलेंगे ईद मुबारक। ईद मुबारक हो आप सबको बहुत बहुत। रेनम मौजूद है, हम मौजूद हैं। रेनम कैसा लग रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है, और स्पेशली जब से ये जो भुन रही है लौकी, और बड़ी ज़बरदस्त मीठी मीठी से इसकी खुशबू आ रही है। अच्छा आपने अभी चीनी ऐड कर दी है? थैंक यू। अच्छा फिर भी मतलब ये आपके हाथों की मिठास है ना, ये इकबाल के हाथों की मिठास है कि भाई अभी से मीठी मीठी खुशबू आ रही है। देखिए चीनी शामिल किए बिना ये आलम है, फिर ना जाने क्या होगा। क्या बात है। अच्छा इकबाल के खाने वैसे ही मैंने खुद पर्सनली टेस्ट किए हैं, मैं और भी बहुत सारे कुकिंग शोज़ पे गई हूँ, वहाँ तो बगैर टेस्ट किए भी मैं कभी वापस आ जाती हूँ, लेकिन इकबाल के स्पेशली मैं टेस्ट करती हूँ, क्योंकि वाकई में इकबाल अगर किसी चीज़ को ऐसे सॉल्ट लगा के भी फ्राई कर दे तो वो इतनी मज़े की लगती है। लिटरली लास्ट टाइम जब मैं आई थी आपने चिकन बनाया था, और चिकन फिले मैं घर जाके अपनी मदर इन लॉ को और मदर को बताई थी, मैंने कहा मम्मी उसने कुछ भी नहीं किया यार, इतने मज़े का उसने बस यूँ किया और फ्राई कर दिया, और वो इतने मज़े का बना लिटरली, एंड वी ट्राइड एट होम, अच्छा था लेकिन उतना अच्छा नहीं था जितना अच्छा आपका था। यार क्यों अच्छा बना पता है? क्यों अच्छा बना? क्योंकि आप आई थी। हाँ हाँ क्या बात कर दी। तो अब मौजूद हैं तो हम चाहते हैं आज भी कुछ अच्छा बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ लौकी की उड़ी भुनाई, सब्ज इलायची में लौकी की भुनाई और साथ ही चीनी शामिल करते हैं एक कप, यानी कि अच्छा रनम चीनी कम या फिर ज्यादा चीनी आपको? जिंदगी का मजा तो मीठे में है, तो फिर डाल दीजिए सारी। मैं नहीं करती डाइट वगैरह नहीं करती मैं, वैसे तो मुझे जरूरत भी नहीं है, अगर मैं डाइट करूंगी तो मैं गायब हो जाऊंगी। लेकिन माशाल्लाह बहुत फिट लग रही है, ऐसा लग रहा है कि यू नो अब कीटो फूड और ये सब फॉलो कर रही है, कीटो डाइट वगैरह? नहीं मैं मेरी फिजीक ही ऐसी है, मैंने बड़ी कोशिशें की, लोग पतले होने की कोशिशें करते हैं, मैंने कोशिश की किसी तरह से, बस किसी तरह से 5 किलो वजन बढ़ जाए, लेकिन खुदा गवाह है कि मेरा एक पाव भी वजन नहीं बढ़ा, बड़ी मैंने मेहनत की, तो बस अल्लाह की रजा में राजी है, ऐसी ठीक है। क्या बात है जी। अच्छा साथ ही ये चावल ऐड करते हैं, ठीक है, लगभग 3 चम्मच अच्छे से यू नो इसकी भुनाई करनी, बल्कि यहाँ ले आते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो अच्छा एक बार ये पीसते भी तो है ना खीर में चावलों को? पिसा हुआ चावल है। मैंने पराठा बनाया था अपने हस्बैंड के लिए, अच्छा पराठा। अब इंशाल्लाह ताला बकरीद पे मैं, अभी तो पे मीठी ईद है, इसके बाद बकरीद जब आएगी तो मैं भर के एक्सपेरिमेंट्स करूंगी। क्या वाकई शोहर खुश होते हैं कि उनको आप अच्छी डिश बना कर दें, या बस ये कहने की बातें? मेरे ख्याल से तो कहने की बातें हैं, मैंने जिंदगी में पहली बार पराठा बनाया था अपने हस्बैंड के लिए, उन्होंने खा लिया, उसके बाद वो सो गए, तो याद भी नहीं रहा तारीफ करना। हाँ सही बात है, पराठा अच्छा बना था उसमें खो गए ना, तो इसलिए सो गए। सही बात है। अच्छा कीप गोइंग की ब्रेक पे जाने से पहले आप बात कर रहे थे, तो मैंने कहा आप कीप गोइंग पे इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, माशाल्लाह से आपने भी तो कीप गोइंग को अपनी लाइफ का गोल बनाया। कहना क्या चाह रही हैं आप? कहना ये चाह रही हूँ कि आपने माशाल्लाह कीप गोइंग में आपने ज़िंदगी के बहुत सारे शोबजात में अचीवमेंट्स हासिल किए हैं, आप एक बेहतरीन शेफ़ हैं, लिटरली आपके हाथ में इतना जायका है, और सबसे बड़ी बात अच्छे शेफ़ की ये होती है कि वो कम सामान में अच्छा जायका आपको बताए, बजाय इसके कि पूरा किचन ही आप उठा के डाल दें डिश में, उसके बाद भी जायका ना आए, कोई फ़ायदा नहीं है।
तो इकबाल का ये मैजिक है कि ये तीन चार इंग्रेडिएंट्स ऐसे बताते हैं जिससे आपकी डिश में जायका आ जाता है। उसके बाद आपने बहुत सारी जिंदगी के शोबजात को मेरे ख्याल में आपको और भी जगह पे बहुत सारी देखा है। मैं बता सकती हूँ कहाँ? बोलिए बोलिए। मैंने आपको जो है जबरदस्त ड्रामा सीरियल्स में देखा है, बड़े लीड पे आप वहाँ पर भी काम कर रहे हैं। उसके अलावा आर्ट्स काउंसिल भी आपने फतह कर लिया है। उसके अलावा ट्रांसमिशन भी आप जो चैनल लगाओ आप नजर आ रहे होते हैं। जब कोई चैनल घुमाओ इकबाल ही इकबाल नजर आते हैं। कहीं पर गेस्ट हैं, कहीं पर गेस्ट ऑफ ऑनर हैं। तो माशाल्लाह से आपने भी कीप गोइंग पकड़ के रखा है। देखिए रहने दो तरह के लोग होते हैं, एक तो वो जो शादी करते हैं, सही मेरी तरह, दूसरे लोग शादी करते हैं वो भी सब कुछ करते हैं, दूसरे वो लोग होते हैं जो बाकी सब कुछ करते हैं। सही। तो हम वो हैं जो बाकी सब कुछ करें। सही, लेकिन सही। शादी बहुत जरूरी है जी। शादी बहुत जरूरी है। किस एज में शादी करनी चाहिए? I think for girls 25 is fine, 24, 25 age difference होना चाहिए? Yes, I think होना चाहिए क्योंकि एक लड़का जो है मुझे लगता है that's my personal experience कि देर से mature होता है। लड़की फिर भी हो जाती है लेकिन लड़के जो है देर से होता है। लड़के देर से mature होते हैं। अच्छा। Yes. वो इनके पर एज वो बंदा जो उसके ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि खुदा ना खास्ता एज डिफरेंस नहीं है तो आप रिश्ता ही रिजेक्ट कर दें, अल्लाह ना करे ऐसा नहीं है। लेकिन एक जनरल अगर फिनोमेना अगर आप सोच रहे हैं कैसा होना चाहिए तो मुझे लगता है थोड़ा सा एज डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि जब आप डिसीजंस अपनी लाइफ में ले रहे होते हैं अगर दोनों सेम एज ग्रुप के होते हैं ना तो फिर वो लड़की ज़्यादा मैच्योर होती है लेकिन लड़का कहता नहीं मुझे तो नहीं समझ में आ रहा, तो फिर वो थोड़ा डिगमग हो जाता है ना। तो आई थिंक थोड़ा सा एज डिफरेंस होना चाहिए। क्या बात है जी, ज़बरदस्त। इसी बात के साथ ये दूध शामिल करें, ठीक है? अच्छी क्वालिटी का दूध होना लाजमी, क्योंकि इससे इसके जायके में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा। तो ये चीज़ें अपनी जगह बहुत ज़रूरी हैं जी। ठीक है जी, तो बस अच्छा ये सरमद साहब का आपके लिए सवाल था कि क्या फ़र्क लाइफ बिफोर द मैरिज लाइफ आफ्टर द मैरिज, क्या फ़र्क आपने देखा? मेरी लाइफ तो ज़्यादा अच्छी हो गई आफ्टर मैरिज, वैसे पहले भी बहुत अच्छी थी। क्योंकि अच्छा ये भी बड़ा होता है आपके शो पे आके कुछ बोल दो ससुराल की तारीफ तो वहाँ से मम्मी अच्छा हम तो अब भूल गई हो हम तो याद ही नहीं है उनकी कर दो तो फिर यहाँ पर, तो ये मसले मसाइल चलते रहते हैं। बहरहाल लाइफ मेरी अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी बहुत अच्छी थी और बाद में तो और ज़्यादा अच्छी हो गई है। सब बहुत अच्छे हैं, इन लॉज बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा केयर करते हैं बिल्कुल अपने बच्चों की तरह। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा अच्छी लाइफ हो जाती है आपकी शादी के बाद, यू फील कंप्लीट। क्या बात। अच्छा देखें ज़िंदगी में रनम मोहब्बत ज़रूरी है। बिल्कुल बेशक मोहब्बत ज़रूरी, जो कहते रहे हर जगह की ट्रांसमिशन में हम तो रमज़ान आप बहुत सारी मोहब्बत करते हैं हमने रमज़ान ट्रांसमिशन में भी कह दिया कि मोहब्बत तेरा जवाब नहीं तुझसे बढ़कर कोई शराब नहीं, मोहब्बत ज़रूरी है जी। तो क्या कहेंगे, मोहब्बत जो एक जज्बा है क्या ये सिर्फ बातें हैं या ख्वाबों की दुनिया जिसका हाँ। हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है? रियलिस्टिक लाइफ बिल्कुल अलग है, मोहब्बत प्यार की दुनिया बिल्कुल अलग है हाँ। या यू थिंक ये जरूरी है यार? आई थिंक इट्स वेरी क्रूशियल फॉर लाइफ। और मोहब्बत जो है वो एक समझें कि एक अंदर एक कमरा है मोहब्बत, लेकिन उसका जो दरवाजा है ना उसमें एंटर होने के लिए दैट्स रिस्पेक्ट। आप पहले रिस्पेक्ट करेंगे किसी की तो फिर उसके दिल में आपकी मोहब्बत पैदा होगी और फिर आप मोहब्बत वाले स्टेज में जाएंगे। सबसे पहले आपको किसी की रिस्पेक्ट करनी पड़ती है, रिस्पेक्ट लेनी पड़ती है, देनी पड़ती है। तो रिस्पेक्ट जब आप सबकी करते हैं ना तो फिर आप जो है मोहब्बत के ज़ुमरे में दाखिल होते हैं। आई थिंक मोहब्बत से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिस्पेक्ट करना, क्योंकि जहाँ पर मोहब्बत हो लेकिन फिर भी रिस्पेक्ट ना हो तो फिर क्या फ़ायदा। क्या बात है जी, बिल्कुल दुरुस्त। एक सवाल, आई थिंक दुनिया भर में बात होती रही जमाने से बात हो रही है, आज भी कर लेते हैं रिवायत को कायम रखते हैं कि अरेंज मैरिज या फिर यू थिंक लव मैरिज जो आप जिसका इंतखाब आप खुद करते हैं वो बेहतर है या अरेंज या यू नो ये जुआ है और देखते हो तो क्या कौन सी शादी ज्यादा कामयाब? मुझे ऐसा लगता है कि शादी जो है वो अल्लाह ताला ने आपकी लिख रखी होती है, आपके पार्टनर्स बिल्कुल मतलब जितनी आप कर ले मोहब्बत प्यार किस्सा कहानी लेकिन इन द एंड जिसे लिखी उससे इन द एंड जिससे आपकी लिखी है उसी से होगी। अब चाहे उससे आपके वालिदैन आपको मिलवाएं चाहे आप उससे खुद मिल लें ये तो डिपेंड करता है कहानी के ऊपर, लेकिन बेसिकली आपका जो रिश्ता है जो अल्लाह पाक ने पहले से तय किया हुआ है वहीं आपकी शादी होती है। चाहे इंसान कितनी भी कोशिशें कर ले, चाहे वो दिल से कितना भी सच्चा हो, कुछ कभी हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं कि वो बंदा जो है नहीं कर पाता उस जगह पे शादी, लेकिन बस ये तमाम अल्लाह ताला का अच्छा और किस्मत का खेल है। बिल्कुल अच्छा एक पैगाम आया है कि उनका कहना है कि अरेंज मैरिज जो होती है
सहमद साहब का सवाल है कि जो अरेंज होती है कि उसमें जो दुनिया उसको बहुत इज्जत की निगाह से देखती है, उनको ऐसा लगता है। सही सही। एट द सेम टाइम अगर लव मैरिज करते हो तो यू नो लोग बातें बनाते हैं, इस टाइप की चीजें होती हैं। आई डोंट नो व्हाट। सबसे पहले तो मैं सहमद साहब से मिलना चाहूंगी, क्योंकि सबसे पहले तो मैं सहमद साहब से मिलना चाहूंगी, उनसे पूछूंगी कि आप किन लोगों में उठते बैठते हैं। और दूसरी बात ये कि मुझे नहीं लगता कि खुदा ना खास्ता कोई बातें बनाते हैं लोग, आई डोंट थिंक सो। क्योंकि हमारे घर में तो ऐसा होता था, लाइक मेरे भाइयों की भी जब शादी हुई थी या जिसकी भी, तो सबसे पहले वालदैन पूछते थे कि देखो भाई तुम्हारा खुद कोई इंतखाब है, भले शादी पसंद है नहीं है या वैसी कोई अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो हमें पहले बता दो, बजाय इसके कि हम ज़बरदस्ती कहीं और तुम्हारी करें जहाँ तुम्हारा दिल भी मुतमइन ना हो, तो हमें तुम वैसे ही बता दो, हम जाके उनके घर में रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, बात बन गई तो ठीक है, वरना फिर अल्लाह अल्लाह मालिक है। तो मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक सो। आई थिंक कि अगर आप खुद भी किसी को लाइक करते हैं तो आप रिस्पेक्ट इज अगेन आई एम सेइंग कि रिस्पेक्ट बहुत मैटर करती है। आप अगर रिस्पेक्टफुली उनके घर पे प्रपोजल भेज रहे हैं, वो आपसे रिस्पेक्टफुली मिल रहे हैं, तो आई थिंक दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। और रिस्पेक्ट शादी की होती है, निकाह की होती है, कैसे निकाह हो रहा है इस बात की रिस्पेक्ट नहीं होती, निकाह बजाते खुद निकाह की रिस्पेक्ट होती है। क्या बात है जी, वाह जी वाह, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। चाहे रेसिपी हमारी हो चुकी है तैयार, से निकालते हैं। मैं पीछे हो रहा हूं, गाल नहीं होंगी ही ना, काट दीजिएगा आप, इतनी तेजी से काट रहे हैं। हां तो फिर डर तो लग रहा, तो फिर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मुलाकात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं पीछे हो जाती हूं, फिर आप काट लीजिएगा। ठीक, लेकिन हम मिलके बोलेंगे ईद ईद मुबारक। खुशामदीद कहते हैं जी, ईद के दिन भी देखें कितनी मेहनत हो रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। कौन कहता है औरतें किचन संभालती हैं, औरतें मर्दों के लिए देखें कितने काम होते हैं, जरा देखा आपने? हाँ, तो आप हजारों लाखों में से एक मर्द है ना, बाकी मेजॉरिटी तो बैठी हुई इंतजार कर रही है बाहर शीख कोर्ट में का। अपनी जिंदगी लगा देते हैं बेगमात को खुश करने के लिए, ख्वातीन को खुश करने के लिए, और अलमिया ये है कि बेगम फिर भी खुश नहीं होती। हाँ बेगम फिर भी, और इसके साथ ही बेगम इस तरह हुक्म चलाती है जैसे खावन तो बाज़ुकर ऐसे महसूस होने लगता है कि जैसे उनकी उनको हर बात मानना ही है। ये पता नहीं कौन से खावन होते हैं, हमारे खावन तो बताते हैं बस हमें क्या करना है। हाँ लेकिन वो जो आप कह रही है ना, वो सिर्फ ऐसे कहते हैं लेकिन उनका एक खास मोहब्बत तो करते हैं वो। हाँ, मोहब्बत तो बेशक बहुत ज्यादा करते हैं। अच्छा शेफ, मैं यहाँ पर इकबाल नोटिस करी थी कि चावल यहाँ पर रखे हुए हैं। हाँ। तो एज लाइक आई एम अ न्यू बिगिनर, तो चावल, ऐसे चावल की क्या पहचान होती है? बहुत अच्छी बात रिनम, ये जो है अल बदर के राइस जिसमें दो वैरायटी है, बासमती भी सैला भी, चावल की इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी। और बहुत सी खवातीन इस तरह, एक हमारी दोस्त ने महक ने पूछा जो बिरयानी बनाते हैं चावल किस तरह दाना रेजा रेजा हो, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अच्छा। और क्वालिटी इसकी यकीन काफ़ी अच्छी है। डायरेक्ट स्टोर पे जाके ये वाले चावल खरीदें? बिल्कुल, डायरेक्ट जाएँ और ये अल बदर के राइस एंजॉय करें, तो इसका अपना एक मजा, माशाल्लाह जी क्या बात है जी। और ऑन द अदर हैंड खीर भी, लौकी की खीर का प्रोसेस है बिल्कुल जारी, ठीक है ना? तो ये अच्छा है ना, मुश्किल नहीं होता कि यू नो फैमिली घर पे टाइम देना है, फिर माशाल्लाह जाहिर है आप स्टार है हमारे इस मुल्क की, इतना खूबसूरत बोलती हैं, मुख्तलिफ चैनल्स पे जाना, तो कैसे कर लेती हैं आप? आप तो इतनी सारी तारीफों के पुल बांध देते हैं कि बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि ऐसा ही मेरी ही बात हो रही है, किसकी बात हो रही है। तो खैर मैं काम किया, बहुत किया, लेकिन मैं कोई इतनी बड़ी स्टार नहीं हूँ, मुझसे बड़े स्टार आप हैं, आपने मुझसे ज़्यादा टाइम भी दिया है इंडस्ट्री को, और अब माशाल्लाह आप दे भी रहे हैं, और एक नहीं इंडस्ट्री के हर सेगमेंट में आपने जो है ना अपने झंडे गाड़े हैं, तो मैं तो बस टाइम मैनेज हो जाता है अल्लाह का शुक्र। अगर आप हर चीज़ का टाइम डिफाइन कर लें, फॉर एग्ज़ाम्पल आई हैव क्लासेस, तो मैं
फॉर 1 आवर फॉर 2 आवर्स क्लासेस अपनी ले लेती हूँ, उसके बाद जो है घर के काम होते हैं तो हस्बैंड के आने से पहले थोड़ी सी घर की क्लीनिंग कर लेती हूँ। ऊपर का जो पोर्शन हमारा जो मेरा है उसकी क्लीनिंग हो जाती है, रूम साफ हो जाता है, थोड़ी सी डिशेज वगैरह धो के। आई थिंक इट्स वेरी इजी टू मैनेज। अच्छा मुझे बच्चों का एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने सुना है बच्चों के आ जाने के बाद जो है जिंदगी में 1 मिनट नहीं बचता, अब वो कौन सी वाली तबाही होती है वो मैंने भी देखी। और शादी क्या हुई, बच्चे भी फौरन मतलब यू नो बहुत तेजी से ये सिलसिला रहता है। अच्छा एक और क्या मुश्किल है ख्वातीन के लिए मीडिया में काम करना, आगाज करना, ये जो एक आम परसेप्शन है इस पे आप क्या कहोगी? मतलब आप पूछ रहे हैं क्या शादी के बाद मुश्किल है? शादी के बाद या नॉर्मल भी जो लोग काम कर रहे हैं, शादी के बाद या शादी से पहले? बिफोर द मैरिज एज वेल। अच्छा नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ख्वातीन के लिए इट्स अ वेरी गुड फील्ड और माशाल्लाह से सब बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है बल्कि कॉर्पोरेट में इतनी ज़्यादा इज्जत नहीं मिल रही होती, इतना ज़्यादा घर वाला माहौल नहीं होता, वो आपको एज अ पर्सन मिस करके या फिर मैम करके बात कर रहे होते हैं। यू जस्ट गो, यू डू योर वर्क एंड यू कम बैक। बट स्पेशली इन मीडिया पीपल बिहेव लाइक योर फैमिली। इस वक्त हमारे साथ इस वक्त जितने भी कैमरामैन मौजूद हैं दे आर ऑल लाइक माई फैमिली। वो हमेशा सिस्टर्स की तरह रिस्पेक्ट करते हैं, जब आती हूँ पूछते हैं घर वालों की खैरियत पूछते हैं। और देखें वो भी असद भाई भी एक्टिव हो गए, उनका नाम आया वो एक्टिव होके खड़े हो गए। तो जो है बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया का माहौल जो है बहुत अच्छा होता है। इट्स जस्ट लाइक अ फैमिली। क्या बात है जी, बिल्कुल इट्स जस्ट लाइक अ फैमिली। एंड एज यू सेड असद भाई हमारे लाला भाई अनीक भाई मौजूद हैं जो एक साथ हम ईद सेलिब्रेट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल एक साथ इंशाल्लाह खीर भी इंजॉय करेंगे, सिलसिला जारी। अच्छा एक सवाल था जो एक सच्चा सवाल भी है, बहुत से दोस्तों ने जो मीडिया में काम कर रहे थे उन्होंने रिश्ता भेजा तो वो रिजेक्ट हो गए। अच्छा। कहने लगे भाई बंदा जो है मीडिया में सही। तो दे थिंक कि वो लोग मीडिया वाले होते हैं रिलायबल नहीं होते, उनकी शादियाँ नहीं चलती, उनकी ज़िंदगी यू नो बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, ये सब चीज़ें। तो क्या ऐसा है या क्या कहोगी आप? अच्छा मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर इंसान ठीक है तो मीडिया हो या चाहे कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो चाहे कुछ भी हो, कोई भी चीज़ मैटर नहीं करती। इनफैक्ट आप देखें कि ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ मीडिया में खुदा ना खास्ता लोगों की ज़िंदगी में इस तरह के मसाइल आते हैं। हर शोबे लाइफ का हर शोबा ऐसा है जिसमें लोगों को मुश्किलात का सामना होता है। मीडिया का टैबू इसलिए बन जाता है क्योंकि मीडिया पर्सनालिटीज़ जो हैं वो पब्लिक से ज़्यादा कनेक्टेड होती हैं। हमारी एक एक एक्टिविटी, हमारा एक एक एक्ट जो है वो बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे होते हैं, हमारे पब्लिक पेजेस होते हैं तो उस पर हमारी हर बात जारी होती है। इस वजह से लोगों को लगता है कि शायद हमारी ही ज़िंदगी में मसले हैं, लेकिन असल बात यह है कि भाई सभी की ज़िंदगी में मसले होते हैं और अल्लाह ताला जो है सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, सबके रिश्ते सबकी शादियां जो हैं वो महफूज रहें। अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो शादी में होती है, मदर इन लॉ का बहुत बड़ा किरदार होता है। बहुत सारे ऐसे मैंने घर देखे हैं जहाँ पर हस्बैंड भी ठीक थे और जो है वाइफ भी ठीक थी, लेकिन फैमिली का भी ठीक थी, लेकिन मदर इन लॉ का काफ़ी प्रेशर था, मदर इन लॉ ठीक नहीं थी या उनको समझ नहीं आ रहा था। तो मैं इस मामले में बहुत लकी हूँ कि मेरी मदर इन लॉ शी इज़ जस्ट लाइक अनदर मदर टू मी। मुझे पहले बहुत डर लगता था शादी से पहले कि मम्मी को छोड़ के जाना एंड देन हाउ विल आई मैनेज बिकॉज आई एम द ओनली सिस्टर, लेकिन माशाल्लाह से जब से मेरी शादी हुई माई मदर इन लॉ, आई रियली रियली लव हर। मामा थैंक यू सो मच फॉर बींग अ वंडरफुल मदर इन लॉ। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे इतनी मोहब्बत मिलेगी आपसे। मुझे पर्सनली डर लगता था क्योंकि मैं इकलौती थी और मैं कभी सोई भी नहीं, अपनी मम्मी के बगैर कहीं जाके रुकती नहीं थी, कभी भी नहीं रुकती थी। तो मेरे लिए तो आई एम इन टीयर्स राइट नाउ क्योंकि मैंने इमेजिन नहीं किया था कि मुझे मामा इतनी सारी मोहब्बत देंगे। इट्स अ ह्यूज ह्यूज थिंग एंड आई विल हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल द मदर इन लॉ हु थिंक कि दूसरों की बेटी भी उनकी बेटी है। बहुत कम लोग ऐसे सोचते हैं और जो लोग ऐसे सोचते हैं, मेरी दिल से बहुत सारी इज्जत आप तमाम जो है सासों के साथ है जो दूसरों की बेटी को भी अपनी बेटी समझते हैं। वाह जी वाह, क्या बात है जी, जब तक सास है तो आस है। और आई थिंक ये भी है एट द सेम टाइम कि लोग ये समझते हैं कि जो सास बहू का रिश्ता उनको ऐसे दुश्मन बनाकर पेश करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो गलत बात है, बिल्कुल ये बहुत गलत बात है। और बाकी आपकी अपनी फैमिली माशाल्लाह, जिस तरह आपकी वालदा इतनी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, आपके भाई फैमिली बिल्कुल, तो लड़कियों के लिए चैलेंज यकीनन होता होगा। बिल्कुल होता होगा, बहन भाई माँ बाप। अच्छा, लोगों ना सुनी सुनाई बातों पे भी बहुत ज्यादा इन्हिसार कर लेते हैं। यस यस, मतलब एक बार एक रोल बना दिया कि ससुराल जो है खुदा ना खास्ता पता नहीं क्या है, कमरा इम्तिहान है या कोई जहन्नुम है खुदा ना खास्ता। अगर आप उन्हें अपना घर वाला समझेंगे तो बिलीव
बिलीव मी, वो भी आपको अपना घरवाला समझेंगे, लेकिन आप ही नहीं समझेंगे तो फिर वो कैसे समझेंगे? Exactly, यही बात है जी. मिसेज रुजवान का पैगाम आया है. अच्छा. कि जानना चाह रहे हैं कि उनकी बेगम उनको बहुत सख्त रखा हुआ है उनको लगता है, तो क्या करें, कोई टिप शेयर करेंगे वाइफ के सामने? के लिए? हाँ, मिसेज. अच्छा, मिसेज रुजवान के लिए सिर्फ एक टिप है कि आपके हस्बैंड, मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ, सब चीज़ें गलत करते होंगे, मैं दिल से मान सकती हूँ, मुझे आपका पूरा भरोसा है, सारे काम गलत करते होंगे, बहुत गुस्सा करते होंगे, लेकिन जो हस्बैंड्स है ना, ये बड़े मासूम बेवकूफ़ क्रिएचर होती है. खैर, मेरे हस्बैंड तो नहीं बेवकूफ़ मुझे मिले, मैंने दुआ बड़ी की थी, लेकिन उनसे नहीं कोई चलाकी होती. तो ये बेचारी बड़ी मासूम सी एक मखलूक होती है, उसको सिर्फ और सिर्फ आपकी जो है ना थोड़ी सी मोहब्बत चाहिए, भले झूठी सही लेकिन थोड़ी सी मोहब्बत, क्योंकि सारे दिन की जो है ना काम का गुस्सा होता है भाई, बॉस ने भी उसको डांट दिया, उसके बाद निकले ट्रैफिक भी उसी को मिला, वो बेचारा मर्द बेचारा परेशान कहाँ जाए, फिर घर जाए तो घर पर बीवी भी उसकी सुना रही है. थोड़ी देर के लिए आई थिंक व्हाट्स द बेस्ट थिंग इज, जैसे ही हस्बैंड्स घर आए उन्हें थोड़ा सा रिलैक्सेशन दें, अगर वो कुछ बोल भी रहे हैं तो जस्ट इग्नोर इट, वो विद इन हाफ आवर और वन आवर काम डाउन हो जाएंगे, और फिर आप टिक्का बर्गर जो चीज़ मंगवाएंगी वो आधे घंटे में बोलेंगे बेगम मैं अभी लाया. क्या बात है जी. और इसके साथ ही हमारा रेसिपी आई थिंक बहुत तैयार हो गई है, क्योंकि बहुत मज़े की खुशबू आ रही है. क्या बात है, जरा डिफरेंट बनाइए. आज हमने लौकी की खीर, जो कि यू नो सेहत के लिए भी अच्छी है, और लौकी के फायदे, दूध शामिल किया, स्पेशली हीट वेव में तो लौकी खाना इज वेरी इंपॉर्टेंट. एब्सोल्युटली. अच्छा, ये नाड़ी लटकर है, ये बहुत अच्छा यू नो कि एक तो स्किन के लिए बहुत अच्छा है, बालों के लिए अच्छा है, बहुत सी खवातीन प्रेगनेंसी में इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा करती हैं, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करे, खाने को हजम करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है जी. और साथ ही खोया ऑन द टॉप, सो ब्यूटीफुल. ये किशमिश, जबरदस्त. बादाम, पिस्ते, अच्छा छुआर इसके अंदर ही हम ऐड कर चुके थे. और आखिर में ऑन द टॉप मशरूब बशरे, रूह अफजा. बिल्कुल. रूह अफजा और रिनम, आप जानती हैं रूह अफजा और कंज्यूमर्स का कितना साथ है? बिल्कुल, 110 सालों का साथ है. ओह माय गॉड, रूह अफजा मोर देन अ सेंचुरी. यस एब्सोल्युटली. और दुनिया के 35 से ज्यादा ममालिक में रूह अफजा का इस्तेमाल किया जाता है, पसंद की जाती है. और यू नो अफ्तार के टाइम भी सब कुछ हो, लेकिन रूह अफजा ना हो, रूह अफजा ना हो तो क्या कोई बात, कुछ कमी सी रह जाती है. एब्सोल्युटली ऑन द टॉप, जबरदस्त. So beautiful. I am definitely going to try this at my home. अभी मैं जाऊँगी तो वैसे भी कुछ डिनर में मीठा बनेगा ही, तो आई एम थिंकिंग कि मैं ये लौकी की खीर बनाऊँ, बिकॉज इट्स वेरी ईजी. हाँ, मैं खोया नहीं डाल पाऊँगी, क्योंकि मेरी जो छोटी वाली सिस्टर इन लॉ है उसको खोए से एलर्जी है. अच्छा. तो निदा मैं नहीं डालूँगी आपकी खीर में, खोया नहीं डालूँगी, आपकी जो खीर है वो बगैर खोए वाली होगी. और लेकिन मैं बनाऊंगी जरूर, इट्स वेरी इजी और बहुत मजे की खुशबू आ रही है. क्या बात है जी. अच्छा निदा, बिल्कुल आप खोया ना ऐड करें, बिना खोए के बनाएं, बिना खोए के भी यकीनन काफी मजे की और टेम्पटिंग होगी तैयार. अच्छा, ईद का दिन है जी, सेलिब्रेशन का सिलसिला जारी. कोविड के बाद हमारी जिंदगी, बिफोर द कोविड एंड आफ्टर द कोविड, कोरोना वायरस के बाद और सब सूरत हाल मुश्किल में जरूर है. होप फॉर द बेस्ट. तो कैसे दिन रहे आपके इस रमजान में? ये रमजान और ये जो चल रहा है ये लॉकडाउन और सारी सूरत-ए-हाल, बहुत मुश्किल, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारी इफ्तार पार्टीज को हमने जो है कैंसिल आउट कर दिया कि भाई हम नहीं आ सकते. गैदरिंग्स ऑब्वियसली अवॉइड कर रहे हैं. बहुत इमरजेंसी में अगर कहीं जाना होता है तो वी वेयर मास्क, वी वेयर ग्लव्स एंड देन वी गो आउटसाइड. और उसके अलावा जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि हमारे घर में एल्डर्स थे. एल्डर्स अगर आपके घर में हैं तो स्टिल अभी ईद आई है, कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, बहुत बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिएगा, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता आप कैरियर बन गए तो आपको तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो यंग लोग हैं वो सरवाइव कर जा रहे हैं, लेकिन अगर एल्डर्स को या बच्चों को है तो दैट्स वेरी वेरी हॉरिबल. तो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा. एब्सोल्युटली जी, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, और ये सारी चीज़ों को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है. अच्छा, इसके अलावा एक इसके अलावा आपकी बात अगर ना कटे, एक बार मेरी ईदी कट चुकी है, कट चुकी है ये बात मेरी ईदी का है. अच्छा, एक ईदी के हवाले से हमारे वसीम साहब का कहना है कि ईद का यू नो रमजान के रोजे
इबादतों के बाद नमाज और ईद ही, ईद का एक मज़ा तभी होता है कि ईद अपनों के साथ मज़े की फूड और ईद ही हो, तो इंशाल्लाह ये सिलसिला रहेगा। मतलब ईदी वाली बात को आपने इतनी खूबसूरती से जो है दूसरे वाले हाईवे पे भेज दिया है। ये यकीनन रेनम ईदी के हवाले से जो आपने बात की उसके लिए हमने खास शाही इहतमाम किया, तो राइट आफ्टर द शो इंशाल्लाह ये सिलसिला रहेगा। नहीं राइट आफ्टर द शो नहीं, मैं आपसे अलग लिफाफा लूंगी। अच्छा हां ठीक है, मेरी शादी के बाद पहली ईद है इकबाल। माशाल्लाह तो आप मुझे कोई 5-6 5-10 हज़ार कोई तो कुछ तो अमाउंट होना चाहिए ना हैवी। रेनम आई थिंक जो आपका काम जो आपकी सब चीजें तो आई थिंक बहुत ज्यादा ही होना चाहिए। ठीक है इंशाल्लाह 10,000। नहीं नहीं मैं कह रही हूँ आप मुझे बोल बोल के बेवकूफ़ बनाएंगे और शो इतनी देर में खत्म हो जाएगा। ईदी मेरी मैं चाह रही हूँ आप ऑन एयर कमिटमेंट करें कि आप मुझे ईदी देंगे, वादा करें। जी बिल्कुल ऑन एयर जो जो लोग मौजूद हैं लाइव मौजूद हैं बिल्कुल ईदी का दी जाएगी, फूड इंजॉय करेंगे, ईद सेलिब्रेट करेंगे, घूमने जाएंगे। अच्छा रेनम लोग दूसरों की शादियों में नाचते हैं बिल्कुल, लेकिन आप अपनी शादी में भी माशाल्लाह क्या खूब नाची। भाई इंसान अपनी शादी ना एंजॉय करे तो क्या फायदा, दूसरों की शादी एंजॉय करी तो क्या करी, अपनी शादी ना एंजॉय करी तो क्या फायदा शादी करने का। चले थैंक यू एवरीवन, लेते हैं इजाजत, सबका बहुत बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान दुनिया में जहाँ कहीं मौजूद रहे हमारी टीम का बहुत शुक्रिया, वसीम साहब बहुत शुक्रिया, उमेर सरमद असद लाला अनिक रिजवान थैंक यू एवरीवन। तो रनम ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं और देते हैं इजाजत इसी बात के साथ के अपना बहुत ख्याल रखिएगा और SOPs को फॉलो करती रहिएगा क्योंकि हुकूमत आपके लिए जो है ये तमाम अहतमाम कर रही है। मास्क का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, अपनों से मिलने के लिए अपनों का ख्याल ज़रूर रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, और जिस तरह उमेर साहब आपका बहुत शुक्रिया। एक और जो कहते हैं ना कि बांट के खाओ इस दुनिया में, बांट के बोझ उठाओ जिस रास्ते में सबकी जीत हो, रास्ता अपनाओ। थैंक यू एवरीवन, मिलके बोलेंगे ईद मुबारक।